कोवैक्सीन का थर्ड फेज हमारा परसों से शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कल हमें 1,000 हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन मिल जाएगा और हम उसके तुरंत बाद परसों से ही इसका थर्ड फेज शुरू कर देंगे, जिनमें से पहले 200 हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीन जल्दी लगाया जाएगा ताकि उनके अंदर इसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या आता है वो हमें पता चले, क्योंकि पूरे देश में 3 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शुरू में स्टडी किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर 600 लोगों के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ICMR इसके लिए परमिशन लेगी ताकि मार्केट ऑथेंटिकेशन हो सके और इसका मास प्रोडक्शन हो सके। डोज हैं, कितनी डोज लगाई जाएंगी और कितने दिन के बाद? कितने बनेंगे? इसके अंदर 2 डोज लगाई जाएंगी। पहली डोज लगाने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी शोल्डर में और उसके बाद एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स स्टडी किया जाएगा। अच्छा, आपसे पहले जो 2 फेज रहे हैं उनके रिजल्ट किस तरह के? पहली 2 फेज जो रही हैं उसमें बहुत कम हेल्दी वॉलंटियर स्टडी किए गए और उनके रिजल्ट्स में 2 चीज़ें स्टडी की गई। एक तो कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आता है या नहीं जो उसका मेन पर्पस था, और दूसरा उसका पोटेंसी कितनी है। तो पहली 2 फेज में जितने भी हेल्दी वॉलंटियर लिए गए उनमें या तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया या बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट आए, जैसे इंजेक्शन साइट पे हल्का दर्द होना या 2-3 हेल्दी वॉलंटियर्स को हल्का बुखार आया। इसके अलावा कोई और मेजर साइड इफेक्ट किसी में नहीं नोट किया गया। इसकी एफिकेसी जो अभी तक है, हमें लगता है कि ये इसकी एफिकेसी भी 90% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सर,